बर्थडे विश करने आए हैं उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बर्थडे का मौका होता है वो सबकी लाइफ में एक ऐसा होता है ना कि आपका एक साल बढ़ भी जाता है और आप कहीं ना कहीं एक साल बढ़ने के बाद भी आप अपने आप को बच्चा महसूस करते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अक्षरा लाइफ में बहुत अच्छा करे, बुलंदियों को छुए, करियर में बहुत आगे जाएं और बस इतना ही। अब आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि सबको पता है कि 21 नवंबर को मेरी मैरिज हो गई थी और तो शादी से पहले के मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, जिनमें से 2 भोजपुरी मूवीज़ हैं, इश्क वाले और बॉर्डर पास सजनी हमार, और एक हिंदी मूवी है जिसका नाम है पिंजरा और उसका नाम अभी चेंज करके सब सेटिंग है किया गया। आप प्रोड्यूसर भी बन गई हैं अपने प्रोडक्शन हाउस से, कौन कौन सी फिल्में आपको अभी जाने वाला प्रोजेक्ट होंगे? हाँ ये बात तो सही है कि प्रोड्यूसर तो धड़कन से ही बन गई थी, उसमें मैंने एक को प्रोड्यूस किया था और तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं जो कि मैं अभी ओपन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के लिए की कई भी बात है कि अभी ओपन कहीं भी नहीं होना चाहिए और हम लोग अभी पत्ता खोलेंगे लेकिन टाइम पे। बात करें धमाल मस्ती, बर्थडे में धमाल मस्ती चलती है, उसमें क्या आपने कुछ खास धमाल मस्ती के बारे में बताइए? वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा धमाल मस्ती करने वाली नहीं हूँ लेकिन फिर भी जैसे कि अक्षरा की बर्थडे पार्टी थी तो किया हमने थोड़ा बहुत धमाल मस्ती किया है लेकिन ज़्यादातर बैठे बैठे धमाल मस्ती हुई लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो अच्छा था और अभी भी सब लोग धमाल मस्ती कर रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है इसके लिए मुझे अभी निकलना पड़ रहा है तो सो धमाल मस्ती तो हुई है। अपनी तरफ से अक्षरा जी को क्या गुड विशेस देना चाहेंगे? अक्षरा के लिए तो मेरी गुड विशेस ऑलवेज एक ही रही है और मैंने हमेशा अक्षरा को बोला है कि वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट गर्ल है और सबसे बड़ी बात है उसका नॉटीनेस बहुत अच्छा लगता है मुझे अक्षरा का। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करें और करियर में बहुत 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 अच्छा करें, बुलंदियों को छुएँ। वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बस, और मेरी फ्रेंड है और मैं उनकी वेल विशर हूँ तो हमेशा यही चाहूँगी कि लाइफ में वो बहुत आगे जाए। तो मैम आप अक्षरा जी के आज बर्थडे में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है, कल मेरा बर्थडे था एक्चुअली और आज अक्षरा का बर्थडे है और ये बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत फन कर रहे हैं और बहुत डांस कर रहे हैं। मैम अक्षरा जी को क्या गुड विशेस देना चाहेंगी? शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और मैं ये विशेस देना चाहूँगी कि आज के बाद उनके लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हों, उनको बहुत सारा काम मिले, बहुत हैप्पीनेस हो, वेल्थ हो, हर चीज़ हो, क्योंकि वो वैसे भी बहुत बड़ी हीरोइन है भोजपुरी की। तो मैं चाहती हूँ वो और ज़्यादा तरक्की करे और अच्छा अच्छे लेवल पे और अच्छे लेवल पे पहुँचे। अक्षरा जी की कुछ एक कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? शी इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। मैं और वो बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारी दोस्ती आज तक मतलब बनी हुई है। लोग जनरली कहते हैं कि दो हीरोइनें कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, बट ये मिथ हम लोगों ने गलत कर दिया है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और बहुत लंबे समय से हैं। आपके आने वाले कोई नए प्रोजेक्ट? बहुत सारे हैं, अभी तो कल ही मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है बलुआ तोरे खातिर। मैं सारी जो मेरी ऑडियंस है सबको बोलूँगी कि प्लीज़ गो, कल फ्राइडे है, मुंबई, बिहार, झारखंड, गुजरात, जाके थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए। थैंक यू मैम। रोल मैम आज अक्षरा जी का बर्थडे है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अरे पैदा ही सामने हुई उस वक्त थोड़ा बुरा दौर था, नहीं तो उसके बाद हम लोग कैसे कैसे लालन पालन किए, लेकिन मुझे याद है कभी कमी किसी चीज़ की नहीं होने दी। आज अक्षरा बड़ी है, अपने पैरों पर खड़ी है, पार्टी इंजॉय कर रही है। और एक बात बताऊं कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है किसी भी माँ बाप के लिए, गर्व की बात होती है, हर्ष की बात होती है, खुशी की बात होती है, वो ये कि माँ और बाप से ज़्यादा आपके बच्चे कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा नाम कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा ख्याति अर्जित कर रहे हैं, ये माँ बाप से मैंने इससे बड़ा दुनिया में कोई गर्व वाली बात ही नहीं है। आप सोच के देखिए, मूल्यांकन करके देखिए। तो अक्षरा को आज देख रहा हूँ जिस दौर में, बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए, बहुत आह्लादित करता है
उन्मादित करता है और इतनी खुशी शायद जन्नत ही है जो आज ये माँ और मैं बाप होकर यहाँ जो अनुभव कर रहा हूँ, अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। सच कहूँ ये जन्नत ही है कि माँ बाप के सामने आपके औलाद आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं और आपसे ज़्यादा ख्याति अर्जित कर रहे हैं। इससे बड़ी हर्ष की बात इस पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं है शायद। 5 साल की अक्षरा और आज के अक्षरा क्या अंतर है? 5 साल की अक्षरा और आज की अक्षरा में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी सी है। 5 साल पहले भी हम लोग उसे उसी तरीके से प्यार करता था, उसी तरीके से दुलार। 5 साल की थी तब की बात कर रहा हूँ। वो 5 साल की थी। अंतर और आज में अंतर ये है भाई साहब, हमारे लिए बहुत स्ट्रगल का दौर था, लेकिन तब भी अक्षरा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब प्लस वो गाना जो पहली बार वो रिदम में आई थी, कौन सा गाना, कौन सा था? सात समंदर पार। अक्षरा जी भी आ रही हैं अपने मम्मी पापा के पास आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं अक्षरा जी चाहूंगा भी आ जाइए। तो उस वक्त की अक्षरा वो रिदम जब पकड़ी थी और आज हमें ही नचा रही है अपने रिदम पे, उस वक्त की और अब की अक्षरा में इतना अंतर। सर आप दोनों भी एक्टर हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या कुछ एक ऐसी नसीहत देना चाहोगे जो आपको लगता है सही होगी? नसीहत क्या, जब हमने होश संभाला, हालांकि मैंने अपना सर्वस्व जीवन अभिनय को समर्पित किया था। पहले रंगमंच में हमारा एक लंबा वक्त 25 वर्षीय इतिहास रहा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त से मतलब अक्षरा हमारे साथ पली बढ़ी और मेरे ख्याल में अब देखिए माँ बाप के लिए ना बच्चा उसी वक्त से लाडला और मन जिगर का टुकड़ा हो जाता है। तो जो जो चीज़ें मुझे देनी थी लगता था कि नहीं नहीं मेरी बेटी जरा संगीत सीखे, तो उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे हमारे। कार्टन लिप्टन का वो डालडा आता था ना, तो मेरा दौर ऐसा भी था जब मैं कार्टन इस पे उठा के और काम करता था और मुझे लगता है 3,000 और 3,500 तनख्वाह मिलती थी हमें। तो उस वक्त भी वो दौर था और आज भी उस, लेकिन उस वक्त के दौर में हमें ना वो एक एक पैसे जमा करके नीलिमा ने पैसे एकत्रित किए थे और जन्मदिन पे इसको, हाँ, मुझे इसको एक्टिंग करेगी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं चाहती थी कि ये सिंगर बने। और उस वक्त इसने हारमोनियम मतलब कई सालों के पैसे जमा करके 3,000-3,500 का वो ये सिंगल रीड का हारमोनियम हुआ करता था, वो इसके जन्मदिन पे हम लोगों ने गिफ्ट किया था, ये रियाज करती थी। लेकिन तब मैंने ये बोला था कि बेटा गाना सीख और जिस दिन अच्छे से सब जानते हैं, सब जानते हैं, उस दिन मुझे वो गाना सुनाना अखियों के झरोखे से, अखियों के झरोखे से एक बार अक्षरा से प्लीज, अखियों के झरोखे से। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे मम्मा मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, दूर दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। हम लोगों की ख्वाहिश थी कि शुरू से इसको संगीत पक्ष में इनको संगीत में डालूं, रियाज वाज करती थी। फिर हमारा अभिनय का दौर चलता था, वो रंगमंच, वो थिएटर, वो नाचना, वो गाना। अक्षरा जब पैदा हुई होश संभाली भी नहीं थी, तब से बड़े बड़े लोगों के गोद में खेला करती थी। रतन थियाम जी, आप थिएटर पर्सनालिटी हैं, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चे के साथ, बाबा कारण साहब के साथ, हबीब तनवीर साहब के साथ, तो अक्षरा का दौर वहाँ गुजरा। हाँ, लेकिन एक शख्सियत का नाम मैं भूलना नहीं चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मैं और संजय उपाध्याय, आज वो संजय उपाध्याय NSG भोपाल का डायरेक्टर है। अभिनय के क्षेत्र में NSG का एक पूरे एशिया में, इवन वर्ल्ड में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है। संजय उपाध्याय इसके बाबूजी, उसके आज डायरेक्टर हैं। उन लोगों के गोद में पली बढ़ी, अभिनय सीखी, नृत्य में
कथक से डिप्लोमा, हाँ संजय उपाध्याय नहीं, इसको अक्षरा का नाम आज बड़े प्यार से बड़े पापा बुलाती है। तो मतलब कहें तो अक्षरा शुरू से ही बड़े बड़े हस्तियों के साथ, हालांकि फिल्म के हस्तियों के साथ नहीं, बच्चन साहब के साथ समझ के, और हमारे भोजपुरी के बड़े हस्तियों के साथ नहीं, पर जो थिएटर पर्सनालिटी जो बड़े बड़े थे उसके गोद में पली बढ़ी। और एक हमारे ये बड़े प्यार से दादा बुलाती थी लालू यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को घंटों घंटों गोद में बैठती थी, बिस्किट लाओ रे, कोल्ड ड्रिंक्स लाओ रे, वो सब दौर था। और बड़ा उतार चढ़ाव के साथ आज यहाँ पहुँची है और आपके सामने रूबरू है, मुखातिब है आपसे। अच्छा जी, आप गाना गाते गाते इमोशन हो गया, आप सुन गला है, वजह क्या? वजह ये थी मेरे पेरेंट्स, जैसा कि मैं शुरू से बोलती आई हूँ, मम्मी पापा का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। बहुत सी ऐसी हीरोइंस हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं रहा है, पर मैं एकदम ही उल्टी थी कि मुझे मन नहीं था, बट पेरेंट्स वर देयर कि मैं पीछे से हूँ, चलो, क्योंकि मेरे पापा ने मुझ में सपना देखा जो कि वो उस समय नहीं देख पाए, जब उनके मेहनत का दौर था, जब उन्होंने अपना सैक्रिफाइस कर दिया मेरे लिए या अपने बच्चों के लिए, मैं और मेरे भाई। या आप सिंपल ये कहें कि इसके मतलब पापा, ये विपिन सिंह का एक तरीके से आप कहें शब्दों में तो फ्रस्ट्रेशन है अक्षरा सिंह, जो जीवन में हमने जो मुकाम हासिल नहीं किया, आज इस अवस्था में, इस आयु में पहुंच गया हूं, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन अक्षरा सिंह में देखता हूं, अभिनय में, नृत्य में, गायकी में, और जो सुखद अनुभूति मुझे होती है, तो समझो आप कि इस पृथ्वी पे अगर जन्नत है तो यही है जो मैं उसको अनुभूति कर रहा हूं, जो मैं उसे झेल रहा हूं और आनंदित हो रहा हूं, यही है जन्नत। अच्छा, नहीं आप सिर्फ मम्मा को प्यार कर रहे हो, पापा? अरे पापा, हर बेटी के लिए पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। ठीक है, मैं आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो वेलकम, पापा की परी और शुरू से बेटियां रही हैं, तो आई एम हियर। मम्मा को इसलिए प्यार कर रही थी क्योंकि ये रो रही है, बहुत इमोशनल है इसकी वजह से, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ऐसे पेरेंट्स पाई हूँ। और आज का बर्थडे मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी, बट ये मेरे पेरेंट्स के तरफ से सरप्राइज है मेरे लिए, सो आई एम सो हैप्पी। एंड आई होप कि मेरे फैंस लोग भी, जितने लोग मुझे विश किए हैं, जितना भी प्यार और जितना भी आशीर्वाद दिए हैं, उन सभी लोगों के दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर, आज अक्षरा जी का बर्थडे है, तो आप लोग अपने अपनी तरह से कैसे विश करना चाहेंगे उनको? सबसे पहले एक लाउड बार दिल ये आए, बार दिल ये गाए, तू जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Akshara ji, happy birthday to you. Thank you sir. मैम, आज अक्षरा जी का बर्थडे है, तो आप कैसे विश करना चाहेंगे उनको? थोड़ा लाउड। कैसे विश करना चाहूँगी? पहले तो गले लग के विश कर लिया है, एंड थोड़ी देर में गाना भी गा के विश कर दूंगी। तो अभी क्यों ना? अभी क्यों ना, दो क्वेश्चन। ठीक है, मैं गाना सोचती हूँ, आप लोग बातें इनसे कीजिए तब तक। अक्षरा जी को बर्थडे के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट इन एक्टिंग, यू आर प्रीवियसली डूइंग इट, वेरी गुड फ्रेंड, एंड सिंगिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके गाने बड़े अच्छे चल रहे हैं, सो गुड विशेस फॉर दैट। प्लस बहुत सारे लोग डिजिटल मीडिया पे जान रहे दैट ये हमारी एक्ट्रेस भी है हमारी अपकमिंग मूवी, जिसका नाम है बब्बा बवाली, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इट। बहुत अच्छा, बहुत ही डिफरेंट मूवी, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर भोजपुरी को मिलने वाला है बब्बा बवाली से। यू नो, सारे टेक्नीशियन बाहर के हैं, स्टोरी पे हम लोग 6 महीने से बैठे, इस वन ऑफ द मूवीज पे 6 महीने से सिर्फ स्टोरी पे काम हो रहा है, सो स्टोरी समथिंग विच इज़ गोना बी वेरी यूएसपी। आप अक्षरा जी को बहुत ही नए तरीके से देखोगे, वो वाला नया नहीं भोजपुरी वाला, एक्चुअल में नया वाला, यू नो, लुक वाइज, एक्टिंग वाइज, प्लस इनके बहुत सारे
वे में बबा वाली मिल रहा सी हर इन अ वेरी डिफरेंट एंड शी इज माय फेवरेट एक्ट्रेस दैट इज व्हाई आई टोल्ड हिम स्पेशली कि मुझे अक्षरा जी प्लीज और रिनी जी मेरे लिए स्पेशल गाना गाने वाली है जिसमें मैं बतौर नायिका परफॉर्म करूंगी सो आपने तो सोचा होगा गाना कौन सा गाना होगा प्लान बनाने का चल रहा है अभी फिलहाल तो वो डिस्क्लोज करना इज नॉट गुड बट वो जरूर मेरे लिए गाना गाते विश करेंगी आई नो हैप्पी बर्थडे का गाना गा दो वी ऑल विल अभी रिनी से बोलेंगे रिनी एक गाना तो होना चाहिए हां होना तो चाहिए एक गाना आप सुना दीजिए जरा सबको कोई भी हैप्पी बर्थडे ही गा दीजिए नॉर्मल और बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये कहे हजारों साल साल के दिन हो पचास गा रही हूँ जो गाना मैं गा रही हूँ वो अक्षरा के लिए है एंड बहुत ही रोमांटिक गाना है कच्ची डोरियों में मैनू तू बांध ले पक्की यारियों में होंगे ना पास ले नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे इस तरह का प्यार मोहब्बत अपने इंडस्ट्री में ना बहुत जरूरी है 110% और ये बहुत छोटी सी गैदरिंग मतलब एक बहुत ही फैमिली वाली जो गैदरिंग ये सब बहुत जरूरी है शोस आनी है अपने लोग हैं आप जिसके साथ बैठिए बात कीजिए और यही होना चाहिए जहाँ पे शोबाजी होती है वो मज़ा नहीं होता वी होप ये कल्चर बना रहे और ये दोस्ती और सब कुछ बना रहे वर्क फ्रंट पे भी और नॉन वर्क फ्रंट पे भी नॉन वर्क फ्रंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क तो चलता रहता है इस हिसाब से सो वी विश यू अगेन हैप्पी बर्थडे थैंक यू आप ही सिंगर हैं काफी सारे गाने गाए हैं ये गाना आपके हाँ बट नहीं इधर सुन के डर गई मैं स्टूडियो में गा गई नहीं 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 शी इज अ वेरी गुड सिंगर एंड आई एम सो हैप्पी दैट मेरे लिए गाना इन्होंने डेडिकेट किया पब्लिक एक बार तो सुनना चाहिए कि अब एक तो अगर सी आल्सो मेरे लिए और हम लोग साथ में गाना गाएंगे हां एक पब्लिसिटी कर रहे थे कि एक बहुत जल्दी एक्टर और रिनी का भी एक गाना आ जाएगा सो आप सुना दो यस कुछ भी सुना दो आवाज में दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा थैंक यू सो मच अरे अरे ये भोजपुरी गाना मेरे लिए गाने वाली है बहुत सारे गाने गा चुकी है आप गाने गाएंगे प्लीज गाइए मुझे पसंद है नहीं लगा के गाते नहीं नहीं वो आज कौन से चले मिला दे दिया किसी का नहीं ओह हस्बैंड को पूरा पता है कौन सा गाना गाना है हम लोग फुल भोजपुरी हैं हम लोग को सब पता है हम लोग नहीं भोजपुरी बोलेंगे और भोजपुरी को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा आप कुछ भी कीजिए हम तो यशराज में भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं इनफैक्ट आज ही बताए थे हम लोग की पहली मूवी होगी जो यश राज में रिकॉर्ड होगी एज अ रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स हमारे यश राज में रिकॉर्ड होंगे स्टूडियो सारे मूव पे ऑलरेडी क्यों क्योंकि हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा नथिंग इट्स मनी से कुछ मैटर नहीं करता इट्स ऑल अबाउट द आउटपुट ऑफ द सॉन्ग्स जो हमारे ऑडियंस को कुछ तो नया मिले पसंद करें ना पसंद करें डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर लेकिन उनको आउटपुट हम अच्छा देंगे फॉर श्योर आप भोजपुरी सुना दीजिए कुछ अरे यार यूनिवर्सल गाना गाओ हमारे भोजपुरी का लुक कैमरा मैम मिलल दीदिया के देवरा बराती में हूँ मिलल दीदिया के देवरा बराती में हूँ जब के हूँ नीठे कौलस का जब हो गई वाओ थैंक यू सो मच आज अक्षरा जी के बर्थडे में आए आप लोग कैसा लग रहा है आपको
बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह विश करना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. सिंगर है ये गाना बहुत है। कॉमन गाना गा दिया आपने, जो सब गाते हैं। किसी को विश करना उसके लिए कोई भाषा मोहताज नहीं, मोहताज नहीं है, लेकिन भोजपुरी होना चाहिए ना। पहली बार आप बाकी बर्थडे में तुम तो हमारा क्या गाओ, तो बना दीजिए ना, बना दीजिए ना आपको। आप तो सिंगर हैं, तो इंटरनेट बनाना चाहिए। कि जिया ये जान, अरे जिया ये जान, तो हर साल साल मार असही बनल रहा। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में तू रानी बन के राज करल कर। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से अक्षरा सिंह जी को, और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर इनको इस दुनिया की हर खुशी दे, हमेशा खुश रहे, क्योंकि इंसान के लिए इस ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लोग अचीवमेंट बहुत कुछ पा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं। तो मेरा दुआ है, दिल से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। कि भांजी का नहीं, भतीजे का बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना सबसे पहले हैप्पी दिवाली एक दूसरे को। हैप्पी बर्थडे। अरे इसका मतलब ये है कि कितनी अच्छी पार्टी हुई है, कि हम सब मूड में हैं। इन्होंने एक सबसे पहले जो बात बोलूँ, ये जितना शाइन इनका कपड़ा कर रहा है, इससे ज़्यादा शाइन इनका नेचर करता है, इससे ज़्यादा शाइन इनका काम करता है, और भगवान करें इससे ज़्यादा शाइन इनका करियर करें, इनका फ्यूचर करें। और क्या सिखाया था मुझे? और बहुत रियल हस्ती है, और जो आदमी खुल के हंसता है वो बहुत दिल का साफ होता है। इनका अगस्त में बर्थडे है, इनका भी अगस्त में बर्थडे है। कोई भी लड़की अगस्त में पैदा होगी उसको कहना वो पक्का एक्ट्रेस बनेगी भोजपुरी की, ठीक है? नहीं भोजपुरी की, टीवी सीरियल करती है, ये टीवी सीरियल करती है और भी करते हैं। एंड शी इज द ओनली वन एक्ट्रेस हु इज गेटिंग गुड ऑफर्स। हिंदी में मतलब ये हुआ कि अरे बहुत काम करती है लड़की, टैलेंटेड कहीं की। अबे और लोखंड वाले से ज्यादा ये दूसरे लड़कियों को कॉम्प्लेक्स देती हैं, अनारा को छोड़ के, क्योंकि अनारा यहाँ है, नहीं तो मैं बोलता कि अनारा जो है महिलाओं की हैरी पॉटर लगती है। नहीं, सीरियसली, ऑन सीरियस नोट, मैं इनसे मेरा घरेलू नाता है, इनसे, विपिन भैया से, नीलिमा जी से, सबसे घर आना जाना है मेरा, क्योंकि सुबह 7 बजे अखबार देने जाता हूँ। आज के लिए उन्होंने मना किया है कि व्रत चल रहा है, पर ये अपना फेवरेट मामा जी है, एंड आई गेस कि पूरे हिंदुस्तान का ये फेवरेट मामा जी है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज डूइंग वेरी ग्रेट इन द होल टेलीविजन इंडस्ट्री। एक तो ये है कि पार्टी देख लग रहा है कि इन्होंने अपने पसंद के लोगों को इनवाइट किया है, और जो आए हैं, अगर हो सकता है ज्यादा को इनवाइट किया है, पर जो आए हैं वो पसंद किए हैं, 110%। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में बिलीव करना चाहिए, चाहे काम हो या आपका सर्कल हो या आपके लोग हो। ऐश्वर्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा सिंगर है, बहुत सारे लोग हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हिंदी में काम किए हुए बहुत कुछ दिख रहे हैं, भोजपुरी में काम किए हुए बहुत कुछ दिख रहे हैं, अनारा बहुत सुंदर है। जो लोग खुद से आए हैं, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ। मुझे तो इन्होंने ब्लॉक किया था, फिर भी मैं आया। मैंने कहा ब्लॉक पर मेरे मम्मा पापा ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी दिया, उसके बाद ये लोग सबको ही आए। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जिन लोग इन लोगों ने एफर्ट लगाया सामने से, एंड बगैर इनविटेशन के आए थे इस पार्टी में, अब तो बता दीजिए सच्चाई यार, क्या बोलना है? बिना इनविटेशन के आप आए? बिना इनविटेशन के हम आए, और अक्षरा की जिंदगी में कोई भी मौका आएगा मैं हर बार आऊंगा। ये तो इमोशनल टच देगा मेरी भांजियों।
भांजी बोल रहा है मुझे। मैं नहीं हूँ, मैं कोई भांजी नहीं हूँ। मेरी भांजियों, उनको बोल रहा हूँ ऑडियंस को, मेरी भांजियों नल्लियों सीखो कुछ कैसे अच्छा बना जाता है। बाकी लड़कियों को फालतू में मेकअप लगाए घूमती रहती हूँ, सीखो कुछ, एक्टिंग भी करनी होती है तो करियर अच्छा जाता है, खाली अगस्त में पैदा होने से नहीं। ये तो अंजना बुरा मान जाएंगी, आई लव हर। नहीं नहीं सीरियसली, बहुत अच्छी फैमिली। और अच्छी बात पता है क्या है, इनका अगर किसी संबंध है तो विपिन भैया का भी संबंध है, विपिन भैया के संबंध है तो नीलिमा जी का भी है, तो टोटल तो उससे भी है, तो उसको भी हम मिस कर रहे हैं। बाबू जो है इनका छोटा भाई जो है, मेरा तो उससे भी है चोचू। क्या नाम रखा? स्वीटू। बिल्लू को हम लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग बाल दिवस मनाने वाले हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, उसका भी बर्थडे है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, उस दिन आप लोग टीचर्स भी है। यस। नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे अक्षरा, हैप्पी बर्थडे अक्षरा, और शाइन करती रहो। एक बार फ्रेम में आ जाइए, सुन लो एक मिनट, एक्शन बोलना। रोल रोल रोल। अच्छा एक मिनट सुनो मेरी बात। मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज है वो थिएटर। थिएटर का मतलब होता है रंगमंच। हाँ, यस यस। और थिएटर मेरे लिए, मेरी पैदाइश से लेकर के अभी तक जो भी मैं हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ, आई डोंट नो। दीपक बंधु फ्रॉम एनएससी, बैच नंबर 97 2000। ये इनका बैच है, एनएससी पास आउट है। इन्होंने एक हिंदी फिल्म डायरेक्ट की, फिल्म का नाम आखिरी डिसीजन। यस, आखिरी डिसीजन। जब मैं काम कर रहा फिल्मों में काम किया, या अक्षरा के चाचू, एम राइट, अक्षरा के चाची, चाचू पार्टी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था, व्हेन आई वाज 16, विपिन भाई निर्माण कला मंच में थे और मेरे सीनियर एक्टर थे, और नीलिमा भाभी जिनको मैं नीलू बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग एक उम्र के थे, उनको लगता था कहा है हमने भाभी बोले। स्टिल तो ये एक पारिवारिक बंधन है, और मैं उसको ना जी जान के जीता हूँ। बिना पूछे इनके घर में पहुँचता हूँ, राखी हो, दिवाली हो, होली हो, बिना पूछे पहुँचता हूँ। दो चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत गर्व के साथ। पहला, ये जो लड़की है मिल्की, मिल्की जो है ना, आप नहीं जानते, इनका नाम अक्षरा सिंह है, मिल्की मैं बोल सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा अधिकार, कोई ये अधिकार मुझसे छीन नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मेरे गोद में खेली है, पली बड़ी है, लक्ष्मी नगर मतलब पटना कंकड़बाग से लक्ष्मी नगर LTT सब जानता हूँ। इसके अलावा इसके एक्टर होने का जो पूरा का पूरा ये अपने दम पे कर रही है, कई बार मैं इससे विरोध करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, बट आई लव हर जस्ट बिकॉज ये मेरी ज़िंदगी का ना सबसे मजबूत खंभा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं इससे नफरत भी करता था एक समय में, और मैंने बोला था कि भोजपुरी मत कर, बट वॉट एवर शी इज़ डूइंग ग्रेट, सीरियसली शी इज़ डूइंग ग्रेट। और मैं दो चीज़ों को लेकर के अभी भी बेट कर सकता हूँ कि अक्षरा मेरी वैसी है जैसे मेरी मिल्की। दूसरा, इसको ना माँ कसम, कोई भी जिसको बोलते हैं ना बीट नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नेमत है। अल्लाह भी बेटा, थैंक यू सर। चले ओके, अंदर अंदर।